हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षा ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। अनदर हम एक और फ्रैक्शन के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। अ गिवन फ्रैक्शन, मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन गिवन हो 2/3, ठीक है। हमने इंट्रोड्यूस किया था फ्रैक्शन क्या होते हैं, a अपॉन b बाय के फॉर्म में हो, वेयर b आपका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन हो, अ गिवन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑब्टेन मल्टीप्लाई और डिवाइडेड इट्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। देखिए, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ठीक है। अ गिवन फ्रैक्शन और क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन ऑब्टेन, मतलब कि जो फ्रैक्शन आपको ऑब्टेन होगा वो कैसे ऑब्टेन होगा, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में या तो किसी भी नॉन जीरो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। सिंपल सी बात है, आपको कोई फ्रैक्शन गिवन हो और आपको पूछा जाए कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे, जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसके न्यूमिरेटर या और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे, और उससे जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उस गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगेन आई रिपीट, अ फ्रैक्शन, मान लीजिए आपके पास 2/3 फ्रैक्शन है, उसका न्यूमिरेटर आपका 2 है और 3 उसका क्या है, डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, लाइक मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से, तो आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगेन आई रिपीट, 2/3 जो आपका a बाय b के फॉर्म में फ्रैक्शन है उसको मैंने सेम नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 4 = 8 और 3 × 4 = 12। ये जो फ्रैक्शन आपको मिला 8/12 वो क्या कहलाएगा, 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। सो सिंपल, आपको एक गिवन फ्रैक्शन 2/3 गिवन है, उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं लेकिन आपका नंबर सेम होना चाहिए, तो उससे जो भी फ्रैक्शन आपको मिलता है वो फ्रैक्शन आपके गिवन नंबर का क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबर। कैसे, अगर 8/12 को मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, 8/12 4 की टेबल से हो जाएगा 2 और 12 हो जाएगा 3, मतलब 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो वापस क्या आ गया, 2/3। मतलब 8/12 को मैं अगर सिंप्लीफाई करती हूं तो मुझे वापस क्या मिल जाता है, 2/3। तो सो सिंपल, अगर आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा जाए तो ये हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो 1 तो ये हो गया, अगर मैं वापस इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10 upon 3 × 5 = 15, 8/12 = 10/15। और एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं 7। देखिए मैं क्या कर रही हूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूं दोनों साइड, न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 × 7 = 40, 3 × 7 = 21। तो सो सिंपल, आपके पास 2/3 एक गिवन फ्रैक्शन था, गिवन फ्रैक्शन क्या था आपके पास, 2/3, और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको क्या मिले, 8/12, 10/15, 14/21 etc। जितने फ्रैक्शन आपको पूछे जाए आप उतने फ्रैक्शन आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। सो
these all are called equivalent fraction of 2/3. एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए आपको गिवन हो 6/9 और आपको पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए. नंबर ऑफ 3 मतलब 3 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए. तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 6/9 को मैं अगर कोई भी नंबर आप ले लीजिए, लाइक मैंने 2 ले लिया, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 12/9 × 2 = 18. और अगर मैं इसको वापस सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 की टेबल से 6 बार और 2 की टेबल से ये 18, 9 बार आ गया वापस 6/9. सो 12/18 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/9. दूसरा इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एनी नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, 6 × 5 = 30 और 9 × 5 = 45. वापिस अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि उसको मिनिमाइज करना, किसी भी संख्या को या किसी भी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई जब करते हो तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि उसको मिनिमाइज करना, आप उस नंबर को कितना छोटा कर सकते हो. ठीक है, तो इस नंबर को मैं कितना छोटा कर सकती हूँ, 5 की टेबल से हो जाएगा 6 और 5 की टेबल से ये हो जाएगा 9. ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3. तो लेकिन हमें यहाँ पर 6/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. सो 13/45 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/9. एक और निकाल लेते हैं, 6/9 × 8 कर लीजिए, 6 × 8 = 48 और 9 × 8 = 72. वापिस इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, वही 6 की टेबल से ये हो जाएगा 7 की टेबल से 8 की टेबल से हो जाएगा 6 और 8 की टेबल से हो जाएगा 9. ठीक है, तो सिंपल सा है, फ्रैक्शन क्या हो गए, 12/18, 30/45 और हो गए 48/72. तो ये तीनों जो फ्रैक्शन हमें मिले हैं वो 6/9 के क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो इन दिस वीडियो वी इंट्रोड्यूस व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या मेथड है. तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो बुक से आ रहा हो या चाहे वो बाहर से आ रहा हो, तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. बस आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो नंबर सेम होना चाहिए. अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सेम होना चाहिए, और वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम मल्टीप्लाई और सेम डिवाइड होगा. तो इस तरीके से आप एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम और फ्रैक्शन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.